नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। देखिए, आदि पुरुष से उपजे हुए जो विवाद हैं उससे पूरा हिंदू असंतोष है। हिंदू सहनशील है, सहिष्णु है, लेकिन कायर नहीं है। इस पर ध्यान रखें, सहनशील है सभी हिंदू, सहिष्णु भी है, लेकिन यह कायर नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगातार तीसरे दिन सुनवाई जारी है। जो आदि पुरुष फिल्म में आपत्तिजनक जो डायलॉग है उसके खिलाफ यह सुनवाई लगातार जारी है। रामायण के किरदारों की भारत में पूजा होती है, भारत में इसकी पूजा होती है और इसे मजाक की तरह दिखाया गया है। ठीक है, सेंसर बोर्ड ने आखिर पास कैसे कर दिया? ठीक है, अब ये देखिए, यह एक अपने आप में यह ब्लंडर है कि तुमने पास कैसे कर दिया। ठीक है, अगर यही चीज आप कुरान पे, बाइबिल के बारे में छोटी सी भी डॉक्यूमेंट्री बनाए और उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ गलत चीजें अगर बना दिए होते तो आपको आपकी औकात का पता चल जाता। इतने अच्छी तरीके से पता चल जाता कि देश भी छोड़कर भागना पड़ जाता, जान के लाले पड़ जाते, बचाने वाली इस धरती पे कोई नहीं मिलता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ली जाती है? सवाल ये है कि आखिर हिंदुओं की सहनशीलता की बार बार परीक्षा क्यों ली जाती है? शुक्र है अभी तक हिंदुओं ने किसी कानून को तोड़ा नहीं है। लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमने गलत किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं ना कहा है कि मुंशी शुक्ला का उड़ा दो, इतना करोड़ देंगे, ऐसा अभी तक इस तरह इस धर्म से कोई ऐसा बयान नहीं आया है। ठीक है, देखिए, जो सज्जन है उसे दबा देना सही है क्या? आप ही बताइए, जो सज्जन है, ठीक ना, जो शांतिपूर्वक है, क्या उसकी उसे दबा देना, उसके बारे में कुछ भी अनर्गल उसके धर्म के बारे में बोलना, क्या यह सही है? आप खुद कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। और सहनशीलता की एक हद होती है, मर्यादा होती है, उसे बनाए रखिए, पार मत कीजिए।